हो सकता है सबसे बड़े गद्दार हम है। अभी तक महाराज जी नीचे वालों की चर्चा हुई है, ऊपर वालों की भी चर्चा होगी। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं। और वो क्या बताएंगे रास्ता जिन्हें अपना पता नहीं। जो स्वयं भटका हुआ है, जो स्वयं भूला हुआ है, जो स्वयं अशांत है, जो स्वयं व्यथित है, वो दूसरे को शांत क्या कर पाएगा। जो स्वयं भूखा है वो दूसरे का पेट क्या भर पाएगा। जो स्वयं अशांत है वो शांति का दान क्या कर पाएगा। हिंदुओं, बड़ी सुंदर चर्चा चल रही थी और हमारे सुनील शास्त्री जी महाराज ने तो कमाल कर दिया। वास्तव में सत्य का बोध कराया गया। भारत के धर्माचार्य होने के नाते पहले वाक्य में मैं एक बात कहना चाहता हूं और आप सभी लोगों के समक्ष ये निवेदन करना चाहता हूं। अगर छिंदवाड़ा की धरती में विराट हिंदू संगम और ये महासंत सम्मेलन हुआ है तो संतों के मंच से पहला प्रस्ताव हम सभी संत लोग ये करते हैं कि छिंदवाड़ा जिले की पावन धरती में और रामायण को जला करके ये जिसने भी महापाप किया है उन लोगों को कड़ी से कड़ी अविलंब सजा मिलना चाहिए। इसके लिए संत समाज ये प्रस्ताव पास करता है। हमारा देश बहुआयामी देश है। एक मिनट की बात आपको बता दूं, आप सभी लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, गणमान्य और सम्भ्रांत लोग बैठे हैं। मैं तो इस धरती में 11 साल की उम्र से आ रहा हूं और तब से आज तक मुझको वो दिन याद आ गया, लोकसभा में रामायण को ले जाकर के और भारत के एक दिग्गज नेता ने जब रामायण के पन्ने को फाड़ दिया तो भारत का सपूत, माताओं तुम्हारे गोदी का वो लाल, इस माटी में जन्म लेने वाला राजा दिनेश सिंह, और जब अपने नेत्रों के सामने देखा कि रामायण का पन्ना फट गया, उनके नेत्र में आंसू भरे आए, लगे रोने। लोगों ने पूछा, भाई आप रो क्यों रहे हो। राजा दिनेश सिंह ने कहा, आज लोकसभा में रामायण का पन्ना नहीं पटा, आज तो संपूर्ण भारत के हिंदुओं का हृदय फाड़ा गया है। एक पन्ना फाड़ने में जब महाराज के नेत्र में आंसू आए, उन्होंने अपने पदत्राणों को उतारा, उन्होंने अपने जूता को उतारा और उसके सिर में 10 जूते मारे। लोकसभा में बैठे दिग्गजों ने कहा, भाई ये तो संसद का अपमान हुआ है, ये तो लोकसभा का अपमान हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो राजा दिनेश सिंह हंसते हुए कहने लगे, अरे भारत के महारथियों, अरे भारत के कर्णधारों, जिस राम और रामायण के बल पर इस राष्ट्र का गौरव आज भी सुरक्षित है और उसी रामायण के पन्ने को लोकसभा में फाड़ा गया, उस समय पर लोकसभा की गरिमा को चोट नहीं पहुंची और मैंने इसको जूता मार दिया तो इसको चोट पहुंच गई। जरा विचार करो, ये स्थिति हो रही इस देश की ये है। जब भारत से अमेरिका के लिए पहली एयरलाइंस की शुरुआत हुई, आप सभी लोग बुद्धिजीवी हो, पढ़ा होगा, ना पढ़े हो तो हम आपको बता देते। जब पहली एयरलाइंस की शुरुआत हुई हवाई उड़ान की और भारत से एक हवाई जहाज अमेरिका को जाने लगा तो बहुत सारे भारतीय उस हवाई जहाज में बैठकर अमेरिका को जाने लगे। और जब भारत के बीच में हवाई जहाज आया, एक आदमी का बैलेंस ऐसा गड़बड़ हुआ कि वो नीचे गिर पड़ा, तो बोलो उसको मरना चाहिए कि बचना चाहिए। बोलो बहुत सीधे, इसी में तुम्हारी पिटाई हो रही है।
इसी में बापू का अपमान हो रहा है, इसीलिए इस देश में गऊएं आज भी काटी जा रही हैं, इसीलिए इन संतों का अपमान हो रहा है, गीता गंगा गायत्री का अपमान इसीलिए हो रहा, क्योंकि तुम इतने सीधे बने हो। जागो हिंदुओं, जागो, ये जागने का समय है और ये संत महापुरुष जगाने आए। बोलो, जब हवाई जहाज से गिर गया तो मरना चाहिए कि बचना चाहिए? मरना चाहिए, लेकिन मरा नहीं। जब वो हवाई जहाज से नीचे गिरा तो जो बड़ी वाली बिजली की लाइन होती है उस तार के ऊपर गिरा जिसकी लाइन कभी कटती नहीं। लेकिन ये संयोग की बात, 2 मिनट के लिए लाइट काटी गई और उसी के बीच में वो गिरा, ये संयोग की बात। और तार से जंप लेने के बाद में जब नीचे गिरा फिर भी मर जाना चाहिए, लेकिन नहीं मरा। एक नदी बह रही थी और नदी के पानी में गिरा और तैर करके किनारे पहुंचा, गांव पास में था। लोगों ने सोचा कोई ये परेशान आदमी है, भैया जी पटेल जी कहाँ रहते हो? बोले मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, अमेरिका जा रहा था और हवाई जहाज से गिर पड़ा, बच गया। तो गांव के लोगों ने उसको पहुंचाने की व्यवस्था किया और जब वो आदमी अपने घर पहुंच गया तो भारत के बुद्धिजीवियों का माथा ठनक गया, भारत के पत्रकारों की बुद्धि चकरा गई। अगर साइकिल से गिर जाएं तो चोट लग जाती है, मोटरसाइकिल से गिर जाएं तो चोट लग जाती है, अगर ठोकर लग जाए गिर जाए तो चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाए तो चोट लग जाती है, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद में और ये बाल बाल कैसे बच गया? और जब भारत के पत्रकार उस आदमी के यहाँ घर में पता लगाने के लिए गए तो जो लड़का हवाई जहाज से गिरा था उसका बाप भगवान के नाम का जाप कर रहा था, वो परमात्मा के नाम का स्मरण कर रहा था। अगर वर्दी शनाब्दी वर्दी फादर, वर्दी शनाब्दी वर्दी मदर, अगर पिता पुण्यात्मा है तो बेटा निश्चित धर्मात्मा होगा, अगर माता धर्मात्मा है तो बेटी निश्चित पुण्यात्मा होगी, अगर गुरु पुण्यवान है तो चेला अवश्य पुण्यात्मा होगा। विचार करना, इसमें कोई संशय नहीं है। आज हमारी दुर्गति का कारण क्या है? हमारे यहाँ 2 मंच हैं, एक है राजनीति का मंच और एक है धर्म का मंच। तो राजनीति के मंच में तो उठापटक चल रही है और धर्म का मंच ये है, और धर्म के मंच में अगर एकता का उदय हो जाए और धर्म के मंच में अगर सारे भारत का संत समुदाय एक हो जाए तो मैं तो ये चैलेंज पूर्वक कहता हूं कि हमारे गौरव और गरिमा को कोई माई का लाल आंख उठा करके नहीं देख सकता है, तोड़ना तो दूर है, लेकिन हमको एक होना पड़ेगा, हमको नेक होना पड़ेगा। ए छिंदवाड़ा के वासियों, मैं तुमको बाबा बनाने नहीं आया, मैं तुमको भगवान बनाने नहीं आया, मैं तुमको घर से निकालने नहीं आया। अगर संतों के दरबार में आए हो और अपने आप को नर्मदा और गंगा के देश का मानते हो और स्वामी विवेकानंद के देश का मानते हो तो आज संत कमलेश मुरारी अपने अचला को पसार करके